2019 के लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब हर पार्टी तीसरे चरण के मतदान में 200 से जुड़ी हुई है, लेकिन तीसरे चरण के मतदान से पहले ही नरेंद्र मोदी ने यूपी में सपा बसपा गठबंधन को लेकर एक भविष्यवाणी कर दी और उसके ठीक कुछ समय बाद ही नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी रंग लाने लगी। और दरअसल हुआ ये, यूपी के एटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से महागठबंधन पे निशाना साधा। एक दोस्ती यूपी चुनाव के समय भी हुई थी, आज चुनाव खत्म हुआ, दोस्ती भी खत्म हो गई और दुश्मनी में पलट गई। अब एक दोस्ती फिर हुई है, लेकिन इसके टूटने की तारीख भी तय है। आपको बताओ, एक फर्जी दोस्ती टूटने की तारीख बताओ, एक फर्जी दोस्ती कब टूटेगी तारीख बताओ, आपको मालूम है कब टूटेगी? 23 मई दिन गुरुवार, ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी। जब नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया, उसके बाद यह बयान काफी सच होता हुआ दिख गया। और यहाँ मायावती ने अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं को कहा कि अभी समाजवादी पार्टी को बहुजन समाजवादी पार्टी से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। कि बीजेपी ने देश में, आप लोग ये जो बीच में जो नारेबाजी लगाते हल्ला करते हैं, तो मेरे ख्याल आप लोगों को थोड़ा बीएसपी के लोगों से सीखना चाहिए कि बीएसपी के लोग कितने शांतिमय ढंग से अपनी बात को, हमारी बात को सुनते हैं। मेरे ख्याल समाजवादी पार्टी के लोगों को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी। हालांकि मायावती के इस बयान को अखिलेश यादव ने नजरअंदाज कर दिया और यहां अखिलेश यादव अपनी मजबूरी समझते हैं और चुनाव में मायावती के ये तेवर से साफ है, 23 मई के बाद नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी सच होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद।